Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Kaise ho aap log? Yeah, that's me and that's my new hair. I am so happy. Yes, मैं बहुत टाइम से अपने बालों को मेकओवर देने का सोच रही थी, but sadly the situation doesn't allow me to go out and get everything done. तो मैंने सोचा सारी चीजें मैं अपने हाथों में ले लेती हूँ और खुद से ही सारा कुछ कर लेती हूँ. एंड दिस इज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे लगता है ना, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा जो हेयर कलर है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज माई हेयर इज सुपर सॉफ्ट, सुपर शाइनी एंड सुपर डुपर अमेजिंग. देर आर नो ग्रे. तो वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में. सो अगर आप जानना चाहते हो हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई हेयर, वो भी घर पे, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है nidhi.167. Let's begin. सबसे पहले मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड उसके बाद मैं उनको हल्का सा ड्राई आउट कर रही हूँ, क्योंकि हमें हेयर कलर भी करना है बाद में. सो यू वांट कि आपके बाल जो हैं वो एकदम क्लीन हो, और मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल आ रखा था. सो आई जस्ट वॉश्ड माय हेयर एंड 30-40% मैंने ड्राई कर लिया. उसके बाद मैंने अपने बालों को दो सेक्शंस में डिवाइड करा है. मैं बहुत बेसिक से हेयर कट करने वाली हूँ. आई जस्ट वॉन्ट अ हेयर स्ट्रेट ब्लंट हेयर कट. और दो सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद जो पहला सेक्शन है उसमें भी जो बैक के हेयर है उनको देखो आप, मैंने लेफ्ट साइड पे ले रखा है एंड फ्रंट के हेयर जो है वो राइट साइड में. और आपको स्लांट कट में कट करना है, तो आपको चाहिए कि आपके पीछे के बाल लंबे रहे और आगे के बाल छोटे रहे. दैट इज़ हाउ आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई वांटेड टू से. थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ हो जाएंगे बाल, वो बाद में आप ठीक कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके. एंड बस हो गया. आई वॉज नर्वस, बट वो थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हो गए थे उनको कट करने के बाद आई फेल्ट कि हाँ ठीक लग रहे हैं. ऑन दी अदर साइड व्हाट मैंने क्या किया कि पहले मैंने थोड़े फ्रंट के बाल लिए और फिर बाद में बाकी के जो पीछे के बाल है वो लिए, क्योंकि आई एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड दी वॉल्यूम ऑफ माई हेयर. मुझे लगा था कम बाल हैं, बट जब कैंची में डाला ना तब पता चला कि काफ़ी बाल है. एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर कट लुक्स लाइक. ऑनेस्टली मुझे डर लग रहा था, बट आई वॉज प्रिटी हैप्पी विद द कट. सो बालों को स्पाइस अप करने के लिए मैं करूंगी फटाफट से बालों को कलर, और कलर करने के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला है कलर. दिस इज न्यू एंड ये है लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल. लॉरियल पेरिस इज वर्ल्ड्स नंबर वन हेयर कलरिंग ब्रांड. ये स्पेशली डिजाइन किया गया है डार्क हेयर कलर के लिए, स्पेशली इंडियन हेयर कलर के लिए, बिकॉज इंडियन हेयर काफी डार्क होते हैं. एंड जब आप हेयर कलर करते हो, स्पेशली कोई लाइट हेयर कलर करते हो, तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होता. दिस इज going to be visible on your hair. जो शेड मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर वो है 632 लाइट गोल्डन ब्राउन. इसमें कोई भी अमोनिया नहीं है, विच इज ग्रेट. एंड ये बहुत सारे स्टनिंग फैशनेबल कलर्स में आता है, जो कि डार्क हेयर पे बहुत अच्छे से विजिबल भी होंगे. सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. मैंने इसका पैच टेस्ट ऑलरेडी कल कर लिया था. आप हमेशा जब भी हेयर कलर ट्राई कर रहे हो तो एक बार पैच टेस्ट अपने कान के पीछे कर लो, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स करके यहाँ पर अपने कान के पीछे लगा लो एंड जस्ट लीव इट 30 मिनट्स जितना आप अपने बालों पे रखोगे, एंड देन वॉश इट ऑफ टू सी कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है. ऑल्सो इसका जो फॉर्मुला है वो काफी सुपीरियर है एंड इट विल लास्ट अप टू 32 वॉशेस. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इन द बॉक्स इज दिस ट्यूब विच इज योर हेयर कलर. देन यू गेट द कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल डेवलपर क्रीम. सो ये ट्यूब आप इसी डेवलपर क्रीम की बॉटल के अंदर खाली कर दोगे, तो आपको अलग से बाउल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. इसी में आपको मिक्स करना है एंड देन अप्लाई करना है. देन यू गेट द रॉयल जेली, जो कि वो लग्जूरियस ग्लॉसी इफेक्ट के साथ साथ आपके बालों को कंडीशन भी करेगा और आपके बालों को 5 times ज्यादा ग्लॉसी बनाएगा. एंड द लास्ट थिंग दैट यू गेट इन दिस बॉक्स इज दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एंड इसमें आपको ग्लव्स भी मिल जाते हैं साथ में. सो मैं फटाफट से पहले डेवलपर को और क्रीम को मिक्स कर लेती हूँ एंड देन हम अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैंने पेट्रोलियम जेली ली है और इसको मैं अपनी हेयरलाइन पे अप्लाई करूंगी. हेयरलाइन पे, जॉ लाइन पे, आप चाहो तो नेक एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे जब आप कलर अप्लाई करो ना तो वो आपकी स्किन पे ना चढ़े, है ना. और मेरे लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा अपनी लिप्स पे भी लगा लिया, थोड़ा नरिश हो जाए इसके लिए. नेक्स्ट आप अपना कलर मिक्स कर लीजिए. तो मैंने डेवलपर बॉटल में ही आप अपना पूरा का पूरा जो कलरेंट वाला ट्यूब है वो खाली कर लो
बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना, सारा का सारा डेवलपर में आपको डाल लेना है. एंड आई पर्सनली फेल्ट कि काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है कि आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. कलर और आपका जो डेवलपर है दोनों एक ही बॉटल में डालो, मिक्स करो एंड अप्लाई करो. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट वॉज़ नॉट मैसी एट ऑल, कोई भी ड्रिपिंग नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी. एंड देन मैंने अपने क्राउन एरिया के जो बाल थे वो एक बांध लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर द लोअर, लाइक जो बैक के बाल है ना, पहले उनको मुझे कवर करना था. आई वॉन्टेड माई हेयर टू बी कम्प्लीटली कवर्ड इन दिस हेयर कलर, क्योंकि मेरे को ना एक इवन कलर चाहिए था अपने बालों पर. मेरे बाल बहुत ऐसे अतरंगी सतरंगी कलर के हो रहे हैं इस वक्त, सो आई जस्ट वॉन्टेड एन ईवन कलर. छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेकर के, थोड़ा थोड़ा कलर लेकर के मैं अपने बालों पर अप्लाई करूँगी. एंड आप देख रहे हो मैं अच्छे से अपने बालों पे इस कलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, थोड़ा सा मसाज भी कर रही थी कि एक एक स्ट्रैंड पे जो है कलर एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाए, इवनली अप्लाई हो जाए. एंड मेरी जितनी भी मेहनत थी वो बाद में आप देखोगे टिपेड ऑफ. सो अभी मैंने अपने दोनों जो बैक के हेयर थे वहाँ पे अप्लाई कर लिया. नाउ आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय क्राउन के हेयर. तो अगेन वही सेम प्रोसीजर, थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ बालों पर, जैसे कि एक एक हेयर स्ट्रैंड में कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए और कोई भी कलर, कोई भी बाल मेरा छूटे ना. स्पेशली जो मेरा क्राउन का एरिया है ना, जो मैं जहाँ मांग निकालती हूँ वहाँ पर मेरे ग्रे काफ़ी थे, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने अच्छे से कलर अप्लाई किया था, क्योंकि कई बार होता है कि कितने भी अच्छे से अप्लाई करो बट कलर वो हेयर स्ट्रैंड रह ही जाता है. बट जितना भी उस डेवलपर बॉटल में मैंने कलर मिक्स किया था, मैंने सारा का सारा अपने बालों पे लिटरली अप्लाई कर लिया अच्छे से. एक एक हेयर मेरा इस हेयर कलर में अच्छे से कोट हो गया था. अच्छा, टी शर्ट जो आप पहन रहे हो ना, वो कोशिश करना कि थोड़ी गंदी टी शर्ट ले लो, वरना क्योंकि वो मैसअप हो जाएगी. 30 मिनट के लिए मैं इस कलर को अपने बालों में रखूंगी एंड देन हम इसको वॉश ऑफ करेंगे. मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया यूजिंग सम लूक वार्म वाटर. मैंने शैम्पू नहीं किया, सिर्फ रिंस ऑफ करा है, और आपको तब तक वॉश करते रहना है जब तक क्लियर पानी आपको ना दिखे. नेक्स्ट हम यूज करेंगे रॉयल जेली. ये आपके बालों में वो लग्जूरियस सिल्की स्मूथ इफेक्ट लेकर आएगा, आपके बालों को नरिश करेगा एंड आपके बाल जो है वो 93% लेस ब्रेक होंगे. इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशनर जो कि आपके बालों को स्मूथ, ग्लॉसी एंड शाइनी बनाएगा. सो फटाफट से इसको अप्लाई कर लेते हैं. यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर हेयर फॉर 2 मिनट्स. इसको मैं अपने बालों में रखूंगी फॉर 2 मिनट्स एंड इसके बाद मैं इसको वॉश ऑफ कर लूंगी एंड उसके बाद हम अपने बालों को करेंगे स्टाइल एंड वील सी द फाइनल रिजल्ट. सो हेड वॉश मैंने कर लिया है एंड जब मैं बाल वॉश कर रही थी ना, मेरे को तभी अपने बाल इतने सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे थे. अभी भी गीले हैं, सो आई विल क्विकली जस्ट ड्राई एंड स्टाइल माय हेयर एंड देन आई विल रिवील माय न्यू हेयर. सो दिस इज माय न्यू ईयर न्यू मी लुक. आई एम सो हैप्पी गाइज, लाइक दिस लुक्स अमेजिंग इजंट इट. मुझे कमेंट करके बताओ कि ये हेयर कलर और ये हेयर कट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर. आई एम स्पेशली इन लव विद द हेयर कलर. मेरे बाल इतने अच्छे सॉफ्ट और ग्लॉसी है ना इस वक्त, आई कांट इवन टेल यू, लाइक यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द कलर इज, और मेरी स्किन टोन को ये कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. बहुत इवनली लगा भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रह गया हो. लाइक जो ग्रेस थे वो भी कवर हो गए हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक मेरे को यूजली ये होता है कि हेयर कलर करने के बाद ना बाल थोड़ा सा ऐसे हार्ड से फील होते हैं, वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ है एंड बहुत ही ज्यादा शाइनी एंड ग्लॉसी है, विच आई एम सो हैप्पी अबाउट. अगर आप लॉरियल हेयर कलर ट्राई करना चाहते हो तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी दैट लॉरियल कोलैबोरेटेड विद मी फॉर दिस वीडियो. अदरवाइज ये इतना अमेजिंग हेयर कलर मैं शायद कभी ट्राई ही नहीं करती, बट द रिजल्ट्स आर जस्ट सो ऑसम यू गाइज. आई एम लाइक मेरे गालों में ना दर्द होने लगा है मुस्कुराते, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली वेरी हैप्पी विद दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने खुद से घर पे किया है. लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल अवेलेबल है इन अ बंच ऑफ अमेजिंग शेड्स एंड इट रिटेल्स फॉर 650 rupees ओनली. एंड आपका कलर जो है वो 32 washes तक टिका रहेगा, विच इज अनदर ग्रेट थिंग. एंड आई फील दैट रॉयल जेली जो उसमें आई है ना, उसने जो मैजिक किया है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग. Like, I just can't stop myself. मैं बार बार अपने बाल बस छुए जा रही हूँ, because I feel it just looks amazing. आपको कैसा लग रहा है comment करके जरूर बताना. And yeah, that's it for this video. That's my new year look. I hope you guys enjoyed this video. अगर अच्छा लगा है तो like जरूर कर देना, subscribe कर देना. And I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.